और इकलौती हमारी इंडस्ट्री है जिसके पास हेयर सीरम है। सिर्फ वीएलसीसी वेल्थ साइंस आपको हेयर सीरम दे रहा है। अब मैं थोड़े से आपको बताऊंगी कि कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि हेयर सीरम का क्या पर्पस है, हेयर ऑयल का क्या पर्पस है, हेयर जेल का क्या पर्पस है। तो इस कंफ्यूजन को भी आज मैं थोड़ा क्लियर करूंगी कि तेल का क्या काम होता है, ऑयल का क्या काम, आप जो ऑयल यूज करते हो उसका क्या काम होता है, जेल का क्या काम है, और जो हेयर सीरम है उसका क्या काम है। सो फ्रेंड्स, जब हम हेयर सीरम की बात करते हैं, जो हेयर सीरम जेल और ऑयल बेस आता है, और ये आपके बालों की जो ये आउटर लेयर है, जो आपके हेयर स्ट्रैंड्स हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, इनको मॉइस्चराइज करता है, इनको मैनेजेबल बनाता है, इनको फ्रिजी होने से रोकता है, डिटैंगल करता है, और ये आपके बालों के ऊपर एक कंप्लीट प्रोटेक्शन लेयर करता है जो एनवायरमेंटल टॉक्सिक्स, इनफैक्ट आपका अल्ट्रावायलेट रेज से भी आपके बालों की प्रोटेक्शन करता है। तो जैसे स्किन के लिए हमारा विटामिन सी सीरम, हम कहते हैं सीरम इस्तेमाल करिए, क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो इम्प्योरिटीज को दूर करता है, वो स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है, स्किन को इवन टोन करता है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। इसी प्रकार जो सीरम होता है ये बालों में डीपली आपके हेयर स्ट्रैंड्स में पेनिट्रेट होता है, इसको मॉइस्चर लॉक करता है, फ्रिजीनेस को हटाता है, आपके बालों में बाउंस देता है और आपके बालों को नरिश करता है, और एनवायरमेंटल टॉक्सिक्स एंड आपके अल्ट्रावायलेट रेज से भी आपके बालों की प्रोटेक्शन करता है। तो जल्दी से बताते थे कि ऑयल अपनी जगह, ऑयल के भी फायदे होते हैं, हेयर सीरम के अपने फायदे हैं। तो ये बता दूं अगेन, ये टॉप एंड बेस कोट वाला बात है। हेयर ऑयल जो है वो आपका बेस कोट है, जो आप कभी हेयर ऑयल या जेल का इस्तेमाल करते हैं वो आप प्री वॉश यूज होता है, आप बालों में अपनी जड़ों में उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छे से मसाज देते हैं, फिर आप शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, एंड जो टॉप कोट होता है, जो लास्ट कोट होता है, वो आपका हेयर सीरम। तो जो हेयर सीरम होता है वो स्टाइलिंग के काम आता है, हेयर सीरम आपके बालों की फ्रिजीनेस को दूर करता है, आपके बालों के जो क्यूटिकल्स है, जो फ्रिजीनेस है, उसको एलिमिनेट करता है, दूर करता है, साथ में स्टाइलिंग में आपको मदद करता है, और जो आपकी जितने भी आपकी थर्मल स्टाइलिंग का मतलब होता है हीट, एक टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आपके बाल झेल सकते हैं, राइट। तो आपके जो सीरम होते हैं, कहते हैं जब आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, आप रीबॉन्डिंग कर रहे हैं, या आप कोई भी आप पमिंग कर रहे हैं, कोई भी आप थेरेपी कर रहे हैं, तो बालों के ऊपर बहुत हीट का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली भी देखा जाए, आजकल हम सब लोग इतने एक्सपर्ट हो गए ना, सबके पास स्ट्रेटनिंग आयरन है, सबके पास कर्लर है, तो अपने 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 घरों में कभी कई बार आपको सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम घर में खुद स्ट्रेटनिंग कर लेते हैं। पर आपको पता है लगातार तेज हीट के साथ जो आपके बालों की जो स्ट्रैंड है, इनके ऊपर जो क्रिटिकल लेयर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, आपका बाल जो है वो हीट से एक्सपोज हो जाता है, वो जला जला सा हो जाता है, वो भारी हो जाता है, और धीरे धीरे नरम पड़ के वो आपका ब्रेक हो जाता है। आपका जो सीरम है वो आपकी थर्मल जो स्टाइलिंग जो आप करते हो, जो हीटिंग भी इस्तेमाल करते हो, उसको उससे भी आपके बालों का प्रोटेक्शन करता है। तकरीबन 230 डिग्री सेल्सियस तक का प्रोटेक्शन, इतनी हीट आपके बाल सह सकते हैं अगर आप लगातार हेयर सीरम का इस्तेमाल करें। तो ये आपके बालों को स्टाइलिंग से होने वाले प्रॉब्लम से बचाता है। ऑयल के आपने मसाज किया, बालों की क्यूटिकल्स का अच्छा होता है, बालों को नरिश करता है अंदर से, राइट। आपको मसाज करने से आपके बालों को लगता है आपके बाल में स्ट्रेंथ आ रही है, प्लस ये भी सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। पर जो सीरम है, सीरम इज एन एसेंशियल थिंग जो आपके आफ्टर वॉश, तो हेयर ऑयल प्री वॉश इस्तेमाल होता है, हेयर सीरम आफ्टर वॉश होता है। हेयर सीरम जो है ये भी जेल एंड ऑयल फॉर्म में आता है, बट ये नॉन ग्रीसी होता है, ये लाइट वेट होता है। हेयर ऑयल जो होता है वो ग्रीसी होता है, वो बालों के अंदर वेट देता है। जैसे आप तेल लगाते हैं तो आपको लगता है कि बालों के अंदर चिपचिपापन आ गया है। हेयर सीरम इसके अदर हैंड, हेयर सीरम आपके बालों को फ्रिजीनेस को दूर करता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है, बालों को लाइट करता है, बालों को मैनेजेबल करता है, और बालों में एक अच्छी लस्टर शाइन लेके आता है। तो हेयर सीरम के बेनिफिट क्या है, देखिए बालों को बहुत अच्छी शाइन देता है, बालों को स्मूथनिंग देता है, बाल थोड़े स्ट्रेट लगते हैं, सुंदर लगते हैं, हीट से प्रोटेक्शन देता है, इनफैक्ट जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं। अब आप देखिए बारिशों में क्या होता है, बाल चिपचिपे हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं, विंटर में बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, कि हम लोग का जो वेदर होता है वो बालों के मॉइस्चर को खींच लेता है। समर में हमारे को इतनी स्वेटिंग होती है अपने हेड पे, तो उससे बालों में चिपचिपापन, एक ऑयलीनेस, एक ग्रीसीनेस और स्मेल रहती है। पर अगर आप एवरी सीजन हेयर सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो एनवायरमेंटल चेंजेस से भी आप अपने बालों को प्रोटेक्ट रखते हैं, अपने बालों के ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं।
ये हीट से प्रोटेक्ट करता है, ये सन एक्सपोजर से बचाता है। बालों को जब हम जबरदस्ती के बार होता है नहा के निकलते हैं, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, अरे मेरा प्रॉब्लम भी कैसे, हम आते नहा के तो बालों को खींच के कंघी करने की कोशिश करते हैं, कोम करते हैं, और जब हम कोम करते हैं तो बालों की गांठें बन जाती है, और ये जो गांठें बन जाती है अगर हम उसको फोर्सफुली करें ना तो हमारे बाल जो होते हैं वो टूट जाते हैं, बालों के जो रूट्स है वो कमजोर पड़ती है। पर जब आप सीरम लगाते हैं तो सीरम उसको डिटैंगल करता है, सीरम स्मूथनिंग देता है, उसको आराम से डिटैंगल करके उसको इजीली आपकी कोम आपके बालों में आप ब्रश उसमें कर सकते हैं, प्लस ये आपका पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्शन देता है। तो देखिए जब हम बात करते हैं चेहरे की कि चेहरे को प्रोटेक्शन चाहिए, चेहरे को सुंदर बनाना है, तो बालों को हम क्यों भेदभाव करें, है ना। तो भैया हम तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, हम कहते हैं इंटरनल हेल्थ आपको हैप्पी होने चाहिए, इंटरनली हेल्थी होने चाहिए, एक्सटर्नली सुंदर होने चाहिए, हम सिर्फ चेहरे की बात क्यों करें। वीएलसीसी वेल्थ साइंस जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बाकी वो कंपनी आपको दे ना दे, बट वीएलसीसी वेल्थ साइंस हर एक कैटेगरी जिसके हम मास्टर है, हेल्थ के, स्किन के, हेयर के, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं हम धीरे धीरे सारी कैटेगरीज को आपके लेके आएंगे, आपके पास एक कंप्लीट पैकेज होगा, एक कंप्लीट किट होगा। तो यू शुड बी हैप्पी बिकॉज आप लोग पायनियर्स हैं, आप लोग लीडर हैं, और आप इकलौते ऐसे मार्केट के लीडर हैं जो हेयर सीरम के साथ डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं। तो आप अपने जो भी दोस्त जो बाकी जगह भी काम करते हैं उनको बोल सकते हैं भाई सब कुछ ले लो वहां से, हेयर सीरम नहीं है उनके पास, हमसे ले लो। तो वीएलसीसी वेल्थ साइंस आपको बेहतरीन हेयर सीरम दे रहा है बहुत सारे बेनिफिट के साथ। और एक थोड़ा सा मिथ में थोड़ा बस्ट करना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है कहा जाता है जिनके बाल पतले हैं, जिनके बालों में थोड़ा बाउंस कम है, उनको हेयर सीरम का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल गलत। हेयर सीरम एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है, बट हाँ ये है किसी के हैवी फ्रिजी हेयर है तो उसमें क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा लगती है, और जिसके लेस फ्रिजी हेयर है उस पर आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगती है। हम हेयर सीरम को लेते कैसे, एक पॉइंट के बराबर, एक रुपए का सिक्का देखा ना, एक पॉइंट के बराबर हम उसको स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करके हाथों में अपने फिंगर टिप्स को लेके स्टैंड्स में हम अच्छे से इसको लगा देते हैं। जब हम इसको स्टैंड्स में अच्छे से लगा देते हैं तो पूरा एक प्रोटेक्शन लेयर आता है, बालों में एक नाइस फ्रेग्रेंस आती है, और बालों में इंस्टेंट स्मूथनेस, शाइन एंड ग्लॉसीनेस आ जाती है। तो ये सबके लिए है। तो प्रेजेंट करते हैं वीएलसीसी वेल साइंस का हेयर सीरम। जो हेयर सीरम है वो क्राफ्ट किया है हमने वीट जर्म ऑयल, वीट जर्म होता है जो गेहूं का अंकुरित भाग होता है, वीट जर्म ऑयल डाला है, आर्गन ऑयल डाला है, लिंसिड ऑयल डाला है, लिंसिड ऑयल मतलब होता है अलसी, जिसको हम अलसी का बीज कहते हैं ना, उसको लिंसिड ऑयल हमने डाला है जो बालों को बहुत अच्छा नरिश एंड कंडीशन करता है, आलमंड ऑयल बादाम का तेल डाला है, कोकोनट ऑयल डाला है, सोया ऑयल डाला है, मैकेडमिया ऑयल डाला है, विटामिन ई डाला है, इतने सारे इंग्रेडिएंट, ये सारे नेचुरल ऑयल का बहुत ही, इस नेचुरल ऑयल से हमने कंडीशन लेके इसकी ग्रीसीनेस को फिल्टर करके हमने आपके लिए ये हेयर सीरम निकाला है। ये बालों को शाइनियर बनाएगा, बाउंसियर बनाएगा, ब्यूटीफुल बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो ये हेयर सीरम है ये हर तरह के मिनरल ऑयल और केमिकल सब्सटेंस लाइक पैराबेन और सल्फेट से कंप्लीटली फ्री है। देयर इज जीरो पैराबेन, जीरो मिनरल ऑयल, देयर इज नो पैराबेन एंड मिनरल ऑयल इन दिस। जैसा मैंने आपको बताया, फ्यू ड्रॉप्स आप लेके इसको अच्छे से बालों में स्प्रेड कर सकते हैं, टॉप टू एंड अपने नेन तक आप इसको करिए, और हो सके तो एंड पे ज्यादा अच्छे से लगाइए, इससे ये बालों की फ्रिजीनेस को दूर करने में मदद करेगा। तो चलिए थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करें। वीएलसीसी वेल साइंस जो आपको फॉर्मेशन देता है वो देता है पॉली हर्बल। पॉलीहर्बल का मतलब जहां हम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब डिफरेंट हर्ब्स मतलब करें, हमने 8 से लेकर 9 हर्ब्स का इसमें इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने इसमें कंडीशनिंग डाले हैं, इसमें बीजम है जो लिनोलियम का एसिड से भरपूर होता है, बालों से अलसी के बीज जो आपके बालों के मॉइस्चर को सील करते हैं, क्यूटिकल को सील करते हैं आपके मॉइस्चर को और फ्रिजीनेस को दूर करने में मदद करते हैं, आलमंड ऑयल बादाम का तेल आपके बालों को सॉफ्टन अप करता है, स्मूथ बनाता है, कोकोनट ऑयल के अंदर होता है लॉरिक एसिड, ये जो लॉरिक एसिड होता है ये बालों को नरिश करता है और बालों को बाउंस देने में मदद करता है। तो आपके बालों में एक्स्ट्रा कंडीशनिंग, एक्स्ट्रा मॉइस्चर, आपके बालों में मॉइस्चर देता है, क्योंकि जो फ्रिजीनेस है उसको दूर करके, ड्राइनेस को दूर करके इसमें अच्छी मॉइस्चराइजिंग की परत बनाता है। विटामिन ई जो अगेन बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट है, रिच ऑयल है, जो आपके बालों पे एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज और साथ में पोल्यूशन
का जो इम्पैक्ट से भी आपके बालों की रक्षा करता है। तो है ना, कितनी शानदार फॉर्मुलेशन। तो यूज कैसे करना है, व्हाई टू यूज हेयर सीरम, कि हेयर सीरम क्या करता है, आपके बालों को एक्स्ट्रा बूस्ट प्रदान करता है, नरिशमेंट देता है, आपके बालों में ग्लॉस शाइन लेके आता है, ड्राइनेस को इम्पार्ट करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, साथ में आपके बालों में एक अच्छे से आपके बालों में स्मूथनेस लेके आता है, आपको बालों को मैनेजेबल बनाता है, और लंबे समय तक अगर हम सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों को एक नरिशमेंट प्रदान करता है, जो भी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स है, पोल्यूशन है, हमारा अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे होने वाले टाइम के बाद होने वाले डैमेजेस से दूर करकर हमारे बालों के लस्टर और शाइन को मेंटेन रखने में मदद करता है। और ये जो आपका हेयर सीरम हमने बनाया है, ये स्पेशली इंडियन हेयर टाइप्स के लिए हमने इसको क्राफ्ट किया है, इंडियन हेयर टाइप की नीड्स को हमने रहते हुए बनाया है। ये आपके बालों को नरिश करेगा, ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा, और ग्लॉसीनेस और एक बहुत ही शानदार शाइन आपके बालों में लेके आएगा। तो अगर आपके बाल कर्ली है तुरंत कर्ल्स लेके आएगा, अगर आपके वेवी है तो खूबसूरत शाइनी वेव्स लेके आएगा, अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो स्ट्रेट ब्यूटीफुल शीन ही आपके बालों में लेके आएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा एक कंपैरिजन, आपके जो भी लोग कहते हैं वेस्टीज के पास हेयर सीरम नहीं है, एमवे के पास नहीं है, जो अपने आपको है कि ब्यूटी के अंदर वो डील करते हैं, स्किन और हेयर में डील करते हैं, ओरिफ्लेम के पास नहीं है, एवॉन के पास नहीं है, मोदी के पास नहीं है, तो आपके जो लीडर हैं, जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लॉरियल पैरिस का प्रोफेशनल एक्सटेंसो केयर का सीरम, और दूसरा है बी ब्लंट, जो आजकल बहुत चलन में है, बी ब्लंट का इंटेंस मॉइस्चराइजिंग हेयर सीरम। आप इनके अंदर अगर आप देखेंगे, जो आपका लॉरियल है इसमें अल्कोहल है और बहुत सारे इसके अंदर हम लोगों के केमिकल मौजूद है, केमिकल फॉर्मुलेशन है, 50 ml के साइज में आता है और MRP है 600 रुपए, तो आपको पर ml की कीमत पड़ती है दोस्तों 12 रुपया। बी ब्लंट इंटेंस मॉइस्चराइजर हेयर सीरम, जिसमें वो 5 के आसपास अपने इंग्रेडिएंट्स का दावा करते हैं, 4 से 5 एवोकाडो ऑयल, जोजोबा ऑयल, आर्गनॉल और विटामिन ई, से 4 चीजों का दावा करते हैं, 75 ml का आता है, 650 इसका MRP है और इसकी पर ml की लागत पड़ती है 8 रुपए 16। कहता है 8x फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला तो मौजूद ही नहीं अंडर मार्केट में। 8x फॉर्मूला है विद वीजियम ऑयल, विद आर्गन ऑयल, विद जिंसेन ऑयल, विद आलमंड ऑयल, विद कोकोनट ऑयल, विद सोया ऑयल, विद मैकेडेमिया ऑयल, विद विटामिन ई ऑयल, 8 का दम, 8 का 8x पावर आता है, 50 ml का है, 450 MRP है और 9 रुपए पर ml ये आपको कॉस्ट करता है। सो योर हेयर डिजर्व द बेस्ट।